कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर विनीत पुनिया ने भट्टू कला को तहसील का दर्जा देने की मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि भट्टू कला के विकास के लिए यह बेहद जरूरी है कि इसे सब तहसील से तहसील में अपग्रेड किया जाए। उन्होंने वादा किया कि कांग्रेस की सरकार आने पर भट्टू कला को तहसील का दर्जा दिया जाएगा। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर विनीत पुनिया भट्टू कला गाँव डोर टू डोर कार्यक्रम में शामिल लोगों को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान सड़कों ग्रामीणों ने उनके साथ घर घर जाकर कांग्रेस के लिए समर्थन मांगा, जिस पर उन्हें भट्टू गांव का भरपूर समर्थन देखने को मिला। क्षेत्र में मिले जन समर्थन से गदगद डॉक्टर विनीत पुनिया ने कहा कि इस क्षेत्र के लोग सेम समस्या से जूझ रहे हैं। गरीबों के मोहल्लों की गलियां कच्ची और जर्जर हालत में है। जलभराव और कीचड़ से हालत दयनीय है। लोग नरकीय जीवन जीने को मजबूर है। क्षेत्र में ITI पॉलिटेक्निक कॉलेज की भी कमी है। किसानों की फसलों के लिए मिट्टी पानी की जाँच के लिए केंद्र नहीं है। यह क्षेत्र विकास के मामले में पिछड़ा हुआ है। सबसे पहले तो हम चुनाव के लिए जो आने वाले चुनाव हैं उसके लिए वोट मांग रहे हैं, और जो पिछला चुनाव था लोकसभा का जिसमें उन्होंने मदद की उसका हम धन्यवाद कर रहे हैं। और मुद्दे तो आज प्रदेश की जनता बच्चा बच्चा जानता है, मुद्दा एक ही है, कांग्रेस लाओ भाजपा हटाओ, और कोई मुद्दा नहीं है। हम कोई मांग नहीं कर रहे इस सरकार से। इस सरकार ने हमें पिछले 10 साल में धोखा दिया है, निराश किया है, नाराज किया है। एक एक बच्चा बच्चा इनसे नाराज है, 36 बिरादरी इनसे नाराज है, किसान नाराज है, युवा नाराज है, महिला नाराज है, कोई नौकरी सरकारी नौकरी वाले सब नाराज हैं। कोई वर्ग ऐसा नहीं है जो इससे खुश हो। किसान, मजदूर, कामगार, दुकानदार, कर्मचारी, व्यापारी, एक एक वर्ग इनसे नाराज है। कांग्रेस की नीतियों को लेकर प्रचार प्रसार में लगे। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना न भूलें।